फास्ट बियर्ड ग्रोथ करना, यानी कितना फास्ट आप बियर्ड ग्रोथ कर सकते हैं। लोग अक्सर बोलते हैं, मैंने भी कई सारे वीडियोस वगैरह बनाए कि सुपर फास्ट बियर्ड ग्रोथ कैसे करें, फास्ट बियर्ड ग्रोथ कैसे करें। तो आप कितना फास्ट बियर्ड ग्रोथ कर सकते हैं और फास्ट बियर्ड ग्रोथ करने के लिए आपको कौन सा ट्रीटमेंट्स कब करना चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट्स कब आपको लगाना चाहिए, क्या कब खाना चाहिए, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको यह वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। आप में ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो फास्ट बियर्ड ग्रोथ करने के लिए ट्राई करते हैं। जैसे कि अगर आपकी बियर्ड नहीं है, दाढ़ी मूछ नहीं आ रही, तो उस कंडीशन में आप ये सोचते हैं, यार मुझे जल्द से जल्द बियर्ड ग्रोथ करनी है, कम से कम समय में बियर्ड ग्रोथ करनी है। लेकिन एक मैं आपको परफेक्ट टाइम बता दूं कि अगर आप कोई सा भी ट्रीटमेंट्स कर ले, अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट्स कर ले, तो कम से कम आपकी बियर्ड ग्रोथ होने में, दाढ़ी आने में कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो आप उसमें या खाने वाले ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, पर आप उसमें लगाने वाले ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। बट अगर आप ट्रीटमेंट्स करोगे तो आपके 3 से 4 महीने में, यानी 100 डेज, प्रॉपर डेज आप बोल सकते हैं, 100 डेज में आपकी, आप चाहे सुपर फास्ट बियर्ड ग्रोथ बोल सकते हैं, फास्ट बियर्ड ग्रोथ बोल सकते हैं, पर बियर्ड ग्रोथ बोल सकते हैं। लेकिन इससे कम समय में आप कैसे बियर्ड ग्रोथ कर सकते हैं, यानी जिसको सुपर फास्ट बोल सकते हैं, बहुत से बहुत जल्दी, कितना समय लग सकता है। तो आपको जो मैं ट्रीटमेंट्स बताने वाला हूँ, ट्रीटमेंट्स क्या है वो बातें बताऊँगा, पहले क्या आपको करना है वो बताऊँगा। देखो, दाढ़ी मूछ नहीं आने के या बियर्ड ग्रोथ नहीं होने के 2 रीज़न सबसे बड़े होते हैं। पहले होता है आपकी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी हो जाना आपकी बॉडी में। सेकंड होता है ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाना आपका फेस, जिससे कि हेयर्स की जो जड़ है वो ग्रोथ नहीं करती, वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, जिससे कि वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट्स आपको क्या करना है, आपकी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को इंक्रीज करने के लिए आप कोई सा मेडिसिन, कोई सा कैप्सूल्स या फिर आप होम सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एक तो बियर्ड की ग्रोथ होने में आपको हेल्प करेगा। जो कि एक ट्रीटमेंट्स तो वो हो गया जो आपकी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को इंक्रीज करके आप बियर्ड ग्रोथ कर सकते हैं, यानी वो तो कंपलसरी चलना चाहिए आपकी बॉडी में। चाहे आप अच्छा सप्लीमेंट्स ले, अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते तो आप अच्छे कैप्सूल्स ले, विटामिन प्रोटीन्स ले, आप कोई सा जो मेडिसिन वगैरह आती है वो ले, या होम ट्रीटमेंट्स में आप ले सकते हैं। तो वो तो एक सॉल्यूशन हो गया जिससे कि आप 100 डेज में बियर्ड ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन आप साथ में लगाने वाले ट्रीटमेंट्स भी कर सकते हैं। लगाने वाले ट्रीटमेंट्स चाहे आप बियर्ड ऑयल्स लगा सकते हैं, अच्छा कैप्सूल्स लगा सकते हैं, अच्छे होम ट्रीटमेंट्स लगा सकते हैं। तो ये एक अलग ट्रीटमेंट्स हो गया, यानी एक तो जो आपकी हेयर्स की जड़ है उस पर ब्लड सर्कुलेशन करेगा, जिससे कि आपके लगाने वाले ट्रीटमेंट्स होगा, तो उससे आपकी बियर्ड ग्रोथ होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। एक आप जो आपकी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल कम हो जाते हैं, उसको इंक्रीज करने के लिए आप 100 डेज वो ट्राई करें, यानी 100 डेज आप 100 डेज ही बोल सकते हैं, दोनों एक साथ यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में डबल इफेक्ट पड़ेगा, बाहर वाला अंदर वाला। तो उससे क्या होगा, डबल तेज़ी से, यानी आप बोल सकते हैं बहुत जल्दी, यानी जल्दी आपकी बियर्ड ग्रोथ हो जाती है। एक ट्रीटमेंट्स पर डबल ट्रीटमेंट्स करोगे तो बहुत जल्दी आपकी बियर्ड ग्रोथ होने लग जाती है। तो इस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि आप बाहर वाले ट्रीटमेंट्स, अंदर वाले ट्रीटमेंट्स, यानी आप वो ट्रीटमेंट्स करें जो आपको एक्चुअली प्रॉब्लम है। आप अगर विदाउट प्रॉब्लम के या पर आपको प्रॉब्लम्स पता नहीं हो उस टाइम में या उस कंडीशन में आप सॉल्यूशंस कर रहे हैं, तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। बट अगर आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट्स करें, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमेशा के लिए आप ख़त्म कर सकते हैं, चाहे वो बियर्ड की हो, एड्स की हो, बॉडी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो। तो आपको अगर बिल्कुल सही ट्रीटमेंट्स मिल जाए तो आप 100% 100 डेज में आप बियर्ड ग्रोथ कर सकते हैं। 100 तो जैसे कि आप बोल सकते हैं, कोई सा ट्रीटमेंट्स करोगे, लो से लो ट्रीटमेंट्स, वो 100 डेज आपको लेता है। बट आप ओनली 50 डेज में आप बियर्ड ग्रोथ कर सकते हैं 2 ट्रीटमेंट्स। तो अगर आप जैसे कि बॉडी के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को इंक्रीज करने के लिए ट्रीटमेंट्स करना चाहते हैं, तो आप EVM का कैप्सूल खाना चालू कर दें। EVM कैप्सूल खा सकते हैं, और ऐसे बहुत से विटामिन प्रोटीन्स वाले सोर्स होते हैं, ओमेगा 3 कैप्सूल्स खा सकते हैं, मीट मांस मछली खा सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी में विटामिन प्रोटीन्स देते हैं और आपके बॉडी के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल इंक्रीज करते हैं। साथ में आप लगाने वाले ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, बियर्ड्स आते हैं अच्छे से अच्छा, उस तरह का आप यूज़ कर सकते हो, मिनोक्सोल आते हैं, मिनटॉप का मिनोक्सोल यूज़ कर सकते हो, आप EVM कैप्सूल लगा सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो इस कंडीशन में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने सुपर फास्ट बियर्ड ग्रोथ कैसे होती है, ऐसे होती है जो कि मैंने आपको बताया। तो आप भी सुपर फास्ट बियर्ड ग्रोथ कर सकते हैं, मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, सी यू अगेन।